गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? नमस्कार। तो बच्चों आते हैं, आ जाइए फटाफट और क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो लिखिए जय भवानी, जय भवानी लिखिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों फटाफट पहुंच जाइए, जय भवानी। वेरी गुड बच्चों, इसका मतलब आवाज आ रही है। आज हमारा बच्चों टॉपिक जो है इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं अच्छे खासे, और वो है हमारा आज का ट्राइब्स, भारत में जनजातियां, आदिवासी जनजातियां भारत में कौन कौन सी हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे हम। तैयार हैं सभी? पहले बच्चों थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर प्रश्न करेंगे। क्लियर? हाँ, 60 के आसपास प्रश्न है। बरोबर, पूरे सही, तन मन से लगे होंगे तो सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे जो कंपटीशन में पूछे गए, क्योंकि मैंने उसको ले रखा है पूरे के पूरे सिस्टम वाइज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। तो यह आप एक आदिवासी जनजाति के बारे में देख रहे हैं, ये कौन है, क्या नाम है इनका, आगे पढ़ेंगे हम। यही से सस्पेंस स्टार्ट हो गया आपका। चलिए फिर तैयार हो जाइए। यस, तो देखते हैं सबसे पहले जनजातियां होती क्या है, ट्राइब्स बोलते किसको है, इसके बारे में बातचीत करें। अवनीश तिवारी नमस्कार भाई, योगेश पाल नमस्कार, सभी को नमस्कार है बच्चों। हाँ, तो देखिए सबसे पहले जो बात आपको याद रखनी है कि ट्राइब्स किसको बोलते हैं या आदिवासी जनजातियां किसको कहते हैं। तो भारत के अंदर आदिवासी यानी कि वो लोग जो बहुत पुराने जमाने से यहाँ पर रह रहे, उन लोगों को हम आदिवासी कह रहे हैं। अब उनकी परिभाषा क्या है, तो ऐसी कोई इनकी फिक्स परिभाषा नहीं है, लेकिन क्या क्या है उसको बारे में देखते हैं। ऐसा मानव का समुदाय या ट्राइब्स आर द ह्यूमन कम्युनिटी, जिसमें एक रहने के लिए अलग निश्चित भूभाग होता है, एक एरिया में रहते हैं, उनकी एक अलग संस्कृति होती है, कल्चर होता है उनका खुद का अपना, और अलग रीति रिवाज होती है, ट्रेडिशन और कस्टम उनका अलग होता है, और एक अलग बोलने की भाषा भी एक अलग होती है। उस हिसाब से उसे हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हम ट्राइब्स या आदिवासी जनजाति। अब वह अपने ही समुदाय में यानी अपने ही कम्युनिटी के अंदर विवाह करेगी ज्यादातर, ये प्रिफेर हर जगह आप इस ट्राइब्स में देखोगे, और इनका अपना एक कोई देवता होंगे, और जनरली यह प्रकृति पूजक होते हैं। किसको पूजते हैं? प्रकृति को पूजते हैं। क्लियर? हाँ, वॉइस को क्या हुआ भाई, वॉइस तो सही आ रही है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब यह एक आदिवासी जनजाति है जिनका नाम चांगपा है, और ये चांगपा कहाँ रहते हैं, लद्दाख में रहते हैं। क्लियर? हाँ, और यह पश्मीना बकरी को पालते हैं, पश्मीना नस्ल है उनकी, और वहीं से वह ऊन बनाते हैं, पश्मीना जो बकरी की ऊन जो है, बकरी की जो ऊन है वह बढ़िया फाइन क्वालिटी की होती है, पश्मीना शॉल भी बनती है। कहाँ रहती है, तो यह रहती है कहाँ, लद्दाख में। नाम क्या इनका, टांगपा। क्लियर? और आगे बढ़ते ऐसे ऐसे आप देखते जाओगे और लास्ट तक पूछते पूछते तो वैसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते, देखो ये ऊन कातरी, ऊन कातने का काम चल रहा है, क्योंकि यह पश्मीना को ही पालते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इंडिया में 1960 के अंदर एक समिति आई जिसका नाम था चंद्रा समिति, चंद्रा समिति या चंद्र समिति लिखा है। अनुसूचित जातियों को कहा उन्होंने कि उनका मानक क्या है, उनको किस तरह से डिसाइड किया जाए, तो इसलिए डिसाइड करने के लिए 5 पैरामीटर बनाए गए। पहला, उनका भौगोलिक एक एरिया होगा, जियोग्राफिकल एरिया, और वहाँ वो अकेले एकांकी जीवन जी रहे होंगे। दूसरा, उनकी अपनी एक स्पेसिफिक कल्चर होगी, विशेष संस्कृति होगी। तीसरा, वो आर्थिक रूप से कहा जाए या सामाजिक रूप से कहा जाए तो वह पिछड़ेपन की बात है कि पिछड़े होंगे, वह बैकवर्ड होंगे। और इसके अलावा कहा जाए तो उनका संकुचित स्वभाव या शाइनेस, शर्मिला स्वभाव, या अपने अंदर खुश रहने का स्वभाव होगा, बाहर के लोगों से ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं।
उसके अलावा कहा जाए तो करेक्टरिस्टिक प्राइमेटिव कास्ट यानी कि वह आदिम जातियों के लक्षण भी उसके अंदर मिलेंगे, यानी कि यह क्या है, यह एक प्रकार रेशियल करेक्टर भी वहां देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं हम, एक और आदिवासी जनजाति पहुंच गए हम और इनका नाम है बकरवाल। कौन है यह बकरवाल? भेड़ बकरियों को पालते हैं और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में निवास करते हैं। क्या नाम है? बकरवाल। क्लियर? हाँ, याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे अब इन आदिवासी जनजातियों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इंडियन ट्राइब्स को हम जो है नाम यूज करने के लिए अलग अलग, जैसे आदिवासी भी बोलते हैं, पहाड़ी जनजातियां भी बोलते हैं, जंगली आदिवासी भी बोलते हैं, और जंगल में निवास करने वाले लोग भी इन्हें हम कहते हैं, और वनों के अंदर निवास करने वाले भी लोग कहते हैं। ये इंडिया का एक पार्ट है जिसके आधार पर यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस किस एरिया में ये रह सकते हैं। तो आदिवासी कहाँ रहेंगे, आपको यहाँ से थोड़ी सी जानकारी हमें यहाँ मिलती है। आदिवासी उस एरिया में रहेंगे जहाँ या तो होंगे पहाड़ और जंगल, जहाँ पहाड़ और जंगल होंगे वहां यह देखने को मिलेंगे, वहां निवास करेंगे, वहां अलग अलग अपनी संस्कृति को फैलाएंगे और अपने जीवन को वहां यापन करेंगे प्राकृतिक संसाधनों पर। देखिए, एक व्यक्ति हुए भारत के अंदर बहुत महान व्यक्तित्व है जिनका नाम है ठक्कर बापा। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर इनका यह ठक्कर बापा का फोटो है। यह आदिवासियों के पितामह कहे जाते हैं, आदिवासियों के पितामह कहे जाते हैं। इनका जन्म गुजरात में भावनगर में हुआ है और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने पुणे से की। उसके बाद गांधी जी के साथ यह हरिजन आंदोलन के साथ में जुड़े। उसके बाद में इन्होंने कुछ संस्थाएं बनाई भीलों के लिए भी और आदिवासी लोगों को आगे लाने का इन्होंने काम किया। आदिवासी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग इन्होंने ही किया। तो देखते हैं इनके बारे में क्या है। ठक्कर बापा का बहुत बड़ा नाम है, याद रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आदिवासी शब्द सबसे पहले यूज करने वाले कौन थे? तो आदिवासी शब्द वर्ड जो यूज करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे ठक्कर बप्पा। क्लियर? हाँ। और इन्होंने, इनको कहा जाता है आदिवासियों का पितामह, या इसे इन्हें कहा था फादर ऑफ ट्राइबल्स या ट्राइब्स। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका पूरा नाम क्या, देखो तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर, अमृतलाल विठल दास ठक्कर ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। गुजरात के भावनगर में जन्मे और पूना के अंदर इन्होंने जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी अपना से अपनी एग्जाम पास किया। उसके बाद में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो बनाया था 1905 में किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, उसके मेंबर बने। और उसके बाद में उन्होंने 22 के अंदर जो है भील सेवा मंडल की स्थापना की। फिर बाद में गांधी जी के हरिजन सेवक संघ के महासचिव बने और उन्होंने 48 के अंदर उन्होंने आदि भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना की। यानी कि बहुत बड़े लीडर है, आदिवासियों के पितामह कहे जाते हैं। दूसरा एक प्रश्नलिटी को याद रखना है, जय सिंह, जयपाल सिंह मुंडा। मुंडा से आपको पता चलता है कि ये कहाँ के रहने वाले होंगे। तो यह बच्चों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, झारखंड वाले क्षेत्र से है, खूंटी में इनका जन्म हुआ था, खूंटी रांची के पास। और ये संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे। और इनकी लाइफ का कहा जाए तो ईसाई मशीनरियों के द्वारा, ईसाई एजुकेशन संस्थाओं के द्वारा इन्हें भेज दिया गया लंदन, ऑक्सफोर्ड के अंदर इन्होंने वहाँ सेंट जॉन्स में वहाँ स्कूल में पढ़ाई की। वहीं से इकोनॉमिक का ऑनर्स से वहाँ उन्होंने जो है डिग्री हासिल की, ग्रेजुएट बने। और उसके बाद में वहीं से यह हॉकी के बहुत गजब के प्लेयर बने और वह उन्हीं की पहले यह जब कैप्टन थे 1925 की बात कर रहे हैं, उस पीरियड के अंदर इन्होंने पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। और ये भी मुंडा का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि कौन से, ये भी आदिवासी समाज से आते हैं और इन्होंने बहुत बड़ा लड़ाई लड़ी आदिवासी समूहों के लिए, इसलिए इनका बड़ा नाम है। देखिए क्या लिखा है, जयपाल सिंह मुंडा खूंटी से थे या अंतरराष्ट्रीय हॉकी के खिलाड़ी थे और इसके बाद में कप्तानी के अंदर ओलंपिक इन्होंने जीता। इनके अलावा आदिवासी आंदोलन और झारखंड आंदोलन के सर्वोच्च नेता थे।
नागालैंड अलग से देश बनने जा रहा था, वहां के नेताओं को इन्होंने फटकार लगाई क्योंकि वहां की भी आदिवासी ट्राइबल है, ये भी ट्राइबल। उसके अलावा सेंट जॉन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इन्होंने ऑनर्स किया, किसमें से? इकोनॉमिक्स में। प्रश्न इंपोर्टेंट है, संविधान सभा के सदस्य थे बच्चों। और इसके अलावा वर्ल्ड के पहले ऐसे खिलाड़ी थे पूरे वर्ल्ड के जिनको 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू खिताब मिला, और हॉकी के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पहले थे जिन्हें यह ऐसा खिताब मिला। आगे बात करते हैं, यहां से बढ़ते, इन दो व्यक्तियों का नाम लिए बिना हमें आदिवासी समूह को पढ़ने में एक अलग महसूस होगा कि इन्होंने कितना बड़ा काम किया था और इनको पढ़ना बहुत जरूरी था। अब हम वन बाई वन को देखेंगे। देखिए संविधान हमने कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के कौन से शेड्यूल में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वह बच्चों पांचवी अनुसूची, फाइव शेड्यूल के अंदर, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर सबसे पहली बार अनुसूचित जनजाति का शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला प्रश्न यहाँ से इंपोर्टेंट बन गया, उन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है या ये कहा जाए कि शेड्यूल ट्राइब्स कहा गया है, और इनको आदिवासी, वन्य जातियां, गिरी यानी पर्वतों पर रहने वाले लोग भी नाम के रूप में भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं इनके बारे में, एक और आदिवासी ट्राइब्स हमारे सामने, ये है बच्चों जौनसारी। यस, जौनसारी उत्तराखंड के अंदर निवास करते हैं और यह कालसी, चकराता, त्यूनी वाले क्षेत्र के अंदर, जौनसार बावर क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं, और इनकी इनकी बहुत अलग संस्कृति है। वहां पर भटाड़ का फोटो या किसी मेले का फोटो है और यह फेस्टिवल मना रहे हैं। जौनसारी कहाँ निवास करते हैं, तो जौनसारी उत्तराखंड में निवास करते हैं। उत्तराखंड की थारू के बाद अब दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जौनसारी। यह पांडवों को अपना जो है पूर्वज मानते हैं और इनके अंदर भी बहु पति प्रथा पाई जाती है। क्लियर? हाँ, जैसा टोडा में मिलेगी हमें। हाँ, यहाँ भी जानकारी आपको रखनी है, कौन है यह जौनसारी क्षेत्र से। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हम एक और जनजाति से पास, लेकिन उससे पहले एक लाइन आपको याद रखनी है। इंडिया में 1901 में सबसे पहले भारत की जनसंख्या के बारे में प्रजातियों का जब वर्गीकरण किया गया, वो व्यक्ति थे सर हर्बर्ट रिजले। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी घूमा हुआ है। तो हर्बर्ट रिजले वो पहले व्यक्ति थे जब इंडिया की जनगणना की जा रही थी 1901 में, तो उन्होंने प्रजाति भाषाओं के आधार पर 7 प्रकार की प्रजातियों को इंडिया में बांटा। कौन कौन से? अलग अलग पार्ट में बांटा, देखेंगे हम, जानकारी लेंगे। ऐसा कहा गया कि इंडिया में सबसे पुरानी जो जनजाति है वो जारवा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जारवा या कहीं की जोरवे भी बोलते हैं, ये कहाँ रहती है? अंडमान निकोबार एरिया में रहती है, अंडमान निकोबार एरिया, यानी कि हम कह सकते हैं द्वीप समूह की बात कर रहे हैं, वहां निवास करती है। और भोजन संग्राहक यानी कि यह गेदरर है, फूड कलेक्टर्स है या गेदरर से इनका काम है। सबसे नया कहा जाता है अल्पिनॉइड को हम यूज करते हैं। एक और ये फोटो आप देख रहे हैं, यही है इन आदिवासी जनजाति का फोटो, बिल्कुल सबसे पुराने है, जारवे अंडमान निकोबार के अंदर आज भी उसी पाषाण युग के अंदर रहते हैं जैसा हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट और बात करते हैं, देखिए भारत के अंदर जनगणना क्या करते हैं, किसकी? अनुसूचित शेड्यूल ट्राइब्स की बारे में बात कर रहे हैं। क्या क्या आंकड़े आपको याद रखना है, देखिए इंडिया के अंदर शेड्यूल ट्राइब्स के 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो 10.43 करोड़ आदिवासी जनसंख्या भारत में है, जो कि पूरी जनसंख्या का, पूरी जनसंख्या का करीब करीब हम बात करते हैं तो 8.6% होते हैं, कम्प्लीटली 8.6% होते हैं। यदि याद रखोगे 8.6 क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स है। दशकीय वृद्धि अगर देखी गई 2001 से 2011 के बीच में 10 सालों के अंदर, तो 23.7% इनकी दशकीय वृद्धि देखी गई इंडिया के अंदर डिकेट्स। एक और आपके सामने जनजाति आई है, उसका नाम है टोडा। मोस्ट इंपोर्टेंट है टोडा। टोडा कहाँ निवास करते हैं, तो टोडा निवास करते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां, कहाँ? तमिलनाडु में। और ये भी भैंस का पालन करते हैं
और यहाँ भी मात्र सत्तात्मक है, पशुपालन कर रहे भैंस पालते हैं, मात्र सत्तात्मक है। यहाँ इनमें दुल्हा जो है वह लेके नहीं जाता है बारात, बल्कि दूल्हे को ही घर में ही पहले बुलाते हैं और वहीं उसको घर में ही घर जवाई बन के रखा जाता है। यानी कि ये मात्र सत्तात्मक है, माँ का ज्यादा चलता है, पिता की नहीं। क्लियर, याद रखना इसके बारे। और इनमें भी बहुपति प्रथा पाई जाती है, जैसा कि जॉन सारियों में देखा था। हाँ, आगे बढ़ते हैं और आगे। ये इंडिया का अलग अलग एरिया है जहां पर अलग अलग जनजातियां पाई जाती है, तो यहां से कुछ जानकारी आपको रखनी है क्योंकि यही अब हम पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा पार्ट के अंदर। तो देखिए कौन कौन सा पार्ट। जम्मू कश्मीर का कहा जाए तो बकरवाल, चांगपा, सीपी, जो बकरवाल और चांगपा बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। गद्दी का कहा जाए तो गद्दी ज्यादा पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, कुछ फोटो भी देखेंगे हम। उसके अलावा कहा जाए तो जौनसारी, मुक्सा, भोटिया और थारू। थारू यूपी में भी रहते हैं, झारखंड में भी, अपने उत्तराखंड में भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं, याद रखना है। सबसे बड़ी जनजाति जो उत्तराखंड की वह थारू है। उसके अलावा बात करेंगे तो संथाल, मुंडा, हो, उराव जो है झारखंड के अंदर पाए जाने वाले सबसे ज्यादा संख्या में रहने वाला समुदाय है। कुछ हम बात करेंगे इधर वाले एरिए की, तो यहाँ अबोहर है कहाँ अरुणाचल प्रदेश का, अहोम है कहाँ की बात करेंगे असम का, नागा है नागालैंड के, और इसी तरह से कुकी, कुकी जो है वह मणिपुर के। ज्यादातर यही प्रश्न से यहाँ से पूछा जाएगा। राजस्थान के इस वाले एरिया में जाएंगे तो भील सबसे बड़ी जनजाति के रूप में माना जाते हैं, दूसरा मीणा है, तीसरा सहरिया है, गरासिया है, यह राजस्थान की आदिवासी जनजातियों में। लेकिन सहरिया जो है वह मध्य प्रदेश में ज्यादा रहते हैं, राजस्थान के केवल 12 डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं, सीतापुरी 12 में। आगे बात करेंगे गुजरात के अंदर कोली, भील, डाफर और टोडिया आदिवासी जनजाति देखने को मिलती है। और भी कुछ नाम साउथ के अंदर मिलेंगे जहां से हम जैसे जैसे प्रश्न करते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें कुछ प्रश्न जो आपको सामने समझना है वो है यहाँ से पूछे जाने वाले। यहाँ से पूछा जाएगा शोम्पेन, शोम्पेन कहाँ निवास करते हैं, ग्रेट निकोबार में। उसके अलावा ओंगे कहाँ है, ओंगे तो ओंगे भी लघु अंडमान के अंदर, यानी अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं। उसके अलावा अंडमानी और निकोबारी और जारवे जो सबसे पुराने हैं, और सेंटेलीज जो कि हाल ही के कुछ समय पहले अमेरिका के कुछ लोग वहां घूमने के लिए गए थे, उनका शिकार किया, यानी कि यह अपने में कोई इंटरफेयर पसंद नहीं करते, और पहले तो यह ऐसा कहते हैं कि वह मानव बख्शी भी हुआ करते थे, यानी कि यह सबसे खूंखार लोगों में से एक है। नेक्स्ट, इसी के अलावा इरुला, कादिर, मोपला, ये आपको इस एरिया में देखने को मिलती है। टोडा आपने देखा, टोडा का नीलगिरी की पहाड़ियों पर, और इसके अलावा येरुला और कोया और चेंचू, चेंचू पड़ मिलते हैं बच्चों, यह नल्ला मलाई की पहाड़ियां, विशेषकर कहाँ, नल्ला मलाई की पहाड़ियां। सबसे पहले फोटो वो चेंचुओं का ही था, वो मैं बाद में बताता वैसे। और इसके अलावा चेंचू पाए जाते तमिलनाडु, अपने यह थोड़ी मात्रा में तमिलनाडु में भी, थोड़ी मात्रा में तेलंगाना में भी, और कुछ इनकी पॉपुलेशन केरला में भी देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं वन बाय वन, इंडिया में सबसे ज्यादा आदिवासी जनजातियों की पॉपुलेशन कहाँ मिलती है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के बारे में कहते हैं तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। सीधा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है। दूसरा नंबर अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र में, और तीसरा अगर कहा जाए तो उड़ीसा में। ये तीन आपको नाम याद रखना है, टॉप कौन, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। मध्य प्रदेश के अंदर कहा जाए तो इनकी संख्या 1.53 करोड़ है, और महाराष्ट्र में इनकी संख्या कहा जाए तो 1.05 करोड़ है। ये दोनों आंकड़े भी याद रखने, प्रश्न पूछे गए एग्जाम। पूरे जितनी भी अपने आदिवासी ट्राइबल पॉपुल की संख्या है पॉपुलेशन की, उनमें से कुल आबादी का 21% सिर्फ मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, और वो भी सबसे बड़ी वहां की जनजाति भील, और दूसरे नंबर की है गोंड, दूसरे नंबर की गोंड है। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में, गुजरात में, लक्षद्वीप में, अगर जनजातियों का कहा जाए किसी पर्टिकुलर परसेंटेज का पूछा जाए, याद रखना, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ है पूरी पॉपुलेशन में,
94% मिजोरम में। ये दो प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में और पॉपुलेशन के हिसाब से मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। नोट कर देना बच्चों, अलग पीडीएफ भेज दी जाएगी, यही से प्रश्न बनने वाले। उसके अलावा यहाँ कहा जाए तो कौन से यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा परसेंटेज आदिवासी जनसंख्या का है, तो वह लक्षद्वीप में 94.8%। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा परसेंटेज का कहा जाए। आगे बात करते हैं, एक और आपको देखने को मिलेगी आदिवासी जनजाति जिनका नाम है लेपचा। लेपचा कहाँ निवास करते हैं, तो इन्हें फोटो से आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये कहाँ निवास करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विपिन रावत सर की भी, वो नीलगिरी की पहाड़ियां थी, कणूर के जंगल थे और वेलिंगटन वो जा रहे थे, बिल्कुल ठीक है, ऊटी हाँ के पास लेपचा, ये सिक्किम में निवास करते हैं। और आप देख सकते हो मंगोलॉइड प्रजाति के लोगों का यह संबंध रखने वाले हैं, मंगोलियन, यह यानी कि इसका रेस क्या है उसके बारे में भी बात करें, नस्ल क्या है उनके बारे में भी, प्रजाति क्या उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं और ये आ गया उराम। उराम का निवास करते हैं, तो उराम निवास करते हैं झारखंड में और ये वहां की एक इम्पोर्टेंट दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, किसके, संथालों के बाद उराम मोस्ट इम्पोर्टेंट जनजाति है, उसके बारे में भी हम कुछ जानकारी लेंगे। हाँ थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब, प्रश्नों के द्वारा करवाऊंगा मैं तब इसे। उसके अलावा सबसे ज्यादा इंडिया में, यस बिल्कुल करंट का डेटा है, याद रखना इस बात को, इंडिया में सबसे ज्यादा संख्या में कौन सा समुदाय सबसे बड़ा है, तो भारत का सबसे बड़ा समुदाय है बच्चों भील, पहले गोंड था, प्रश्न गोंड पे ही हम टिक लगाते थे, लेकिन वर्तमान में संख्या के हिसाब से अब देखा गया तो भारत में भील सबसे ज्यादा है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में सबसे बड़ी जनजाति है भील, क्लियर। हाँ और इनकी जनसंख्या कितनी है देखो, तो 1.7 करोड़। फिर आते हैं गोंड 1.3 करोड़, और यह गोंड सबसे ज्यादा संख्या में यूपी और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। यस पहले यूपी की सबसे बड़ी जनजाति थी थारू, वर्तमान में थारू दूसरे स्थान पर है और गोंड फर्स्ट स्थान पर है यूपी में। उसके अलावा संथाल सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की, संथाल सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की, छोटा नागपुर पठार के अंदर ये निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थोड़ी देर बाद, यस हाँ थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके अलावा मीना और नायकड़ा है। एक प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है, पुदुचेरी में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में और पंजाब वाले एरिए में कोई भी आदिवासी जनजाति निवास नहीं करती है, याद रखना पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब, क्योंकि एक तो यह जंगल वाली बात की जाए तो भी नहीं है, दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर एडवांसमेंट ज्यादा है, तो आदिवासी लोग वहां निवास पहले से भी नहीं कर रहे हैं। यस अब यह बात, यह है बच्चों गोंड जनजाति का फोटो, गोंड जनजाति का फोटो। नेक्स्ट यह है बच्चों सेंटिनली, जो खूंखार जाति है, कहाँ की बात की थी हमने, अंडमान निकोबार की, क्लियर। हाँ उसके अलावा यह है सेंचू, ये नल्ला मलाई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं। अभी प्रश्न आएंगे फिर हवा उड़ जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनते जाओ और समझते जाओ, दिमाग में बिठाते जाओ। हाँ यह कौन है, सेंचू कहाँ रहते हैं, नल्ला मलाई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा वहां निवास करते हैं। उसके अलावा बात करते हैं यह इंडिया में संकटग्रस्त जातियां हैं जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, सिक्किम का लेपचा, सिक्किम के, छत्तीसगढ़ की कवर्धा, कवर्धा वैसे डिस्ट्रिक्ट भी है, कवर्धा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, उत्तराखंड की राजी इम्पोर्टेंट, उसके अलावा ओंगे, जारवे और शोमपेन, यह तीनों ही इम्पोर्टेंट है, कहाँ की, अंडमान निकोबार की और तमिलनाडु की टोडा, कोटा और उराली, जो आपको याद रखना है, क्लियर। हाँ मिल जाएगी बच्चों, मिल जाएगी, यस आगे बढ़िए और देखते हैं आदिवासियों के विवाह के बारे में भी जानकारी लेते हैं कि कौन कौन सी विवाह कहे जाते हैं और किए जाते हैं आदिवासी जनजातियों में। तो ये विवाह के प्रकार है,
सबसे पहले परीक्षण विवाह किया जाता है भीलों के द्वारा, परिविक्षा किया जाता है कुकी के द्वारा, चिटकुट्र का किया जाता है थारुओं के द्वारा, और दूध लोटाना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूध लोटाना का मतलब ममेरा या फुफेरे लड़के या लड़की से जो है शादी की जाती, उसे कहते हैं दूध लोटाना, और यह गोंड में होता है। ये प्रश्न काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाए। हरण, हरण का मतलब एक तरह से किडनैपिंग का विवाह या, और यह भी गोंड में होता है। उसके अलावा सर्विस, कौन सी सेवा करनी पड़ती है उनके घर में जाकर के, लड़की के पिता के घर में जाकर सेवा करनी पड़ती है 2-3 साल, तब वह लड़की देता है, यानी ये खासी थारू और गोंडों में भी होता है। उसके अलावा राजी खुशी विवाह होता है हो में, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वह है ओपोर तिपी। ओपोर तिपी का मतलब अपहरण करके लेके जाते हैं, भगा के लेके जाते हैं, भगोरिया भी बोलते हैं एक तरह से। हाँ, तो यह एक प्रकार का वो विवाह है जो भगा के लेके जाने के, अपहरण करके ले जाते हैं। हाँ, अपहरण क्या, किडनैपिंग, ओपोर तिपी, और यह होता है बच्चों हो में। याद रखना, प्रश्न आए हुए एग्जाम में, उस इसमें सब अपना अपना प्रोसेस है क्या क्या, लेकिन सिर्फ आप पहले नाम याद रख। एक होता है अंडी विवाह, अंडी विवाह में क्या है, सहमति से होता है बातचीत के द्वारा, और यह भी हो में होता है। तो ये भी आपके प्रश्न आए, जैसे जैसे करते जाओगे आपको लगेगा अच्छा ये भी प्रश्न वहां पढ़ा था हमने, ये भी जानकारी हमने ली थी। उसके अलावा इंडिया की आदिवासी जनजातियों को हम जो है 4 अलग अलग पार्ट के अंदर बांटते हैं। एक तो कौन कौन सा पार्ट है जहां जाइए रहते हैं, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, दूसरा सेंट्रल वाला पार्ट, तीसरा नीचे वाला पार्ट दक्षिण वाला, और चौथा अंडमान निकोबार वाला पार्ट। अब यहां से झारखंड की एक मोस्ट इंपोर्टेंट आदिवासी जनजाति है संथाल, जो संथाल या हजारीबाग का पठार और संथाल परगना वाला एरिया, यानी झारखंड के अंदर छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में निवास करती है, और सबसे बड़ी जनजाति है उत्तराखंड की संथाल। यस, और यह आप यहां से एक जानकारी देता हूं, आपको कॉन्सेप्ट भी याद रहेंगे, चीजें भी याद रहेगी। यह नॉर्थ वाला क्षेत्र और यह नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र, उसके अलावा यह सेंट्रल वाला एरिया और यह सेंट्रल ईस्ट अपने वेस्ट वाला एरिया, और यह सेंट्रल का ईस्ट वाला एरिया, और यह साउथ वाला एरिया बच्चों, और इसके अलावा यह आ गया अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र, जहां से आदिवासी जनजातियों के बारे में जानकारी लेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। उसके अलावा कौन कौन सी जातियां कहाँ कहाँ रहती है, अब इसी के पार्ट को यहां से जानकारी लेते हैं। तो यह हिमालय का नॉर्थ वाला और नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया के अंदर जो है हम स्टेट देखते हैं, पहाड़ी एरिया, वहां पर रहने वालों में लेपचा, लाहुल, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, खरवार, खंपा, गद्दी, भुया, कुलू, हिमाचल प्रदेश के कनौटा, खास, ये सभी जातियां हैं। और स्पेशली यह चीनी तिब्बती परिवार की भाषा बोलते हैं, इसका मतलब ये तिब्बत के इंडिया के बॉर्डर वाले पार्ट में निवास करती है। ऐसे पूछा जाएगा लेपचा कहाँ के हैं, तो लेपचा कहाँ के बच्चों, सिक्किम के। आएगा लाहुल कहाँ, तो लाहुल स्पीति घाटी कहाँ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश। और पूछा जाएगा भोटिया कहाँ के, तो भोटिया भोट प्रांत से आए हैं, उत्तराखंड के पहाड़ों में पिथौरागढ़ वाले एरिया में निवास करते हैं भोटिया, और इन्हीं को सिक्किम के अंदर भूटिया कहते हैं। यह बुक्सा का उत्तराखंड के अंदर निवास करते हैं, जौनसारी भी उत्तराखंड के अंदर निवास करते हैं, राजी यह एक संकटग्रस्त जाति अपने जनजाति में है उत्तराखंड की, और यह कास्ट कला में निपुण होते हैं, और पिथौरागढ़ में ये भी निवास करते हैं। भोटियाओं के अंदर ऋतु प्रवास पाया जाता है, सीजनल माइग्रेशन होता है, यानी कि गर्मियों में ये पहाड़ पर जाते हैं पशुओं को चराने, और सर्दियों में वापस नीचे आते हैं, सीजनल माइग्रेशन मिलता है। उसके अलावा बातचीत करें अगर हम यहाँ, तो खरवार यूपी के अंदर रहते हैं, और ये खैर के प्लांट से कत्था निकालने का काम करते हैं। खंपा जो है यह उड़ीसा वाले पार्ट के अंदर। गद्दी की बात करें, गद्दी जो है यह निवास करते हैं बच्चों हिमाचल प्रदेश में। क्लियर, भुया, कुल्लू, कनौटा, खास वाले पार्ट। और बात करते हैं यहीं से 2-4 बातें और जानकारी लानी है पूर्वोत्तर क्षेत्र का, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र के अंदर गारो, खासी, जयंतिया कहाँ, अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं, कहाँ, तो झारखंड के अंदर जी नहीं, कहाँ, तो ये याद नहीं, मेघालय के अंदर। देखो यहाँ कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, आका, नफला, मीरी और अपातारी, मुरुंग, ये वाली सारी जनजातियां रहती है
अरुणाचल प्रदेश में, लेपचा भुटिया भी सिक्किम का, बिस्मी यह अरुणाचल प्रदेश की, गारो खासी और जयंतिया मेघालय की, और यह चिन चकमा, चकमा कहा हम कहेंगे त्रिपुरा की, कुकी मेघालय की, ऐसे नाम याद रखना, कोन्याक और नागा नागालैंड के, अंगामी, अंगामी भी नागा है, और रेंगमा, रेंगमा ये मिलते हैं, ये भी नागालैंड वाले पार्ट में मिलते हैं, ये भी तिब्बती चीनी परिवार के लोग हैं और मंगोलॉइड प्रजाति के, मंगोलॉइड का मतलब पीला कलर, तिरछी आंखें, एपिकेंथिक फोल्ड, कम बाल शरीर पर, उन्हें क्या बोलते हैं, मंगोलॉइडियन कहते हैं, जो चाइनीज नस्ल के हम जनरली समझते इस हिसाब से ना। और बात करते हैं, यह है बच्चों भोटिया, उत्तराखंड के अंदर पिथौरागढ़ में निवास करते हैं, पौना नृत्य करते हैं, सीजनल माइग्रेशन होता है। यह देखोगे गद्दीज, यह हिमाचल प्रदेश की आदिवासी जनजाति है गद्दीज, और यह भेड़ बकरियों का पालन करते हैं। देख भी रहे हो आप, बिल्कुल मस्ती से जो है हुक्का पी रहे हैं और भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं ना। आगे देखते हैं और मध्यवर्ती क्षेत्र में आते हैं, इंडिया के अंदर याद रखना सबसे ज्यादा जनजातियां मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर निवास करती है, और वो कौन है ज्यादातर, कौन सी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है हाँ, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को डेवलप करने का काम किया था, द्रविड़ियन है ये ना, नीचे वाला पार्ट का अंदर पूरा ये देखेंगे, और यह इनके बारे में बात, द्वीपीय पठार के अंदर यह निवास करती है, और 80% पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का यही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दक्षिण के अंदर की भी बात करें तो इसी क्षेत्र के अंदर आता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, और ऑस्टिक भाषा समूह बोलते हैं, ऑस्टिक भाषा यह बोलते हैं। इसके अंदर पूर्वी क्षेत्र के अंदर मुंडा, उराव, संताल, हो, असुर, बिरहोर और जुआंग, खरिया, खोंड, कांद और गढ़जात की पहाड़ियां पड़ती है, गढ़जवा और भूमज, यह उड़ीसा के अंदर रहने वाले और ये आगे वाले झारखंड में निवास करने वाली आदिवासी जनजातियां। यस, आगे कहेंगे मध्य क्षेत्र की बात करने को, छत्तीसगढ़ के अंदर गोंड, मारिया, अबूज मारिया, कोरबा, हलवा, दोरला, ध्रुवा, परजा, भाटरा और कोरकू मध्य प्रदेश की, और कोल और सैरिया, बेगा और प्रधान नाम की आदिवासी जातियां निवास करती है। अब यह प्रश्न करेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी तो आपको मजा ही मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट, यह देखो मीणा, मीणा जनजाति सबसे ज्यादा डेवलप और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में आते हैं, राजस्थान की आदिवासी जनजाति है, जो मत्स्य देवता या मीन से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। आगे देखते हैं और देखते हैं, दक्षिण क्षेत्र के बारे में जानकारी लिए, केरला के बारे में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सेंचू कहा आंध्र प्रदेश का, इरुला, कुरुम्बा, पनियन, आपको याद रखना इरुला, कुरुम्बा, पनियन, क्लियर, हाँ तमिलनाडु में भी रहते हैं कुछ और कुछ केरला में ज्यादातर, उसके अलावा टोडा, कोटा, बदगा, ये भी वहां निवास करने वाले लोग हैं। यह है इरुला, इसे स्नैक मैन भी बोलते हैं बच्चों, स्नैक मैन सांपों को पकड़ने में एक्सपर्ट है, और यह इरुला जो है तमिलनाडु और केरला में निवास करते हैं, क्लियर हाँ। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यह आदिवासी लोग कहाँ, अंडमान निकोबार के, अंडमान निकोबार के आदिवासी लोग निग्रिटो मूल के हैं, निग्रिटो का मतलब निग्रो और निग्रिटो ना, और यह धीरे धीरे पर गायब होने वाले हैं, शॉम्पेन, सेंटिनलीज, जोरवे और ओंगे वहां की आदिवासी जनजातियां हैं। अब ये कौन कौन है इंडिया में, कहाँ कहाँ निवास करते हैं, उनके बारे में जानने के लिए और हम बात करेंगे, यह लोग कौन है, खारवार है, खारवार कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और बात करते हैं टॉपिक को, यह अलग अलग इनके नृत्य भी होते हैं, शिकार कौन नृत्य, वार नृत्य, युद्ध नृत्य करने वाले, ये प्रश्न आता है कि गार भील जो है, उराम जो है, यह वार नृत्य भी करते हैं, इसके अलावा जादू नृत्य भी करने वाले, अलग अलग जातियों के नृत्य त्योहार फेस्टिवल के बारे में भी पूछा जाता है। और हम सीधे पहुंचते हैं, ये थारू है बच्चों, थारू आदिवासी जनजाति यूपी और बिहार, यूपी और उत्तराखंड की। नेक्स्ट,
यहां से जानकारी लेते और स्पेशल पॉइंट के साथ चलिए। सामने है बापला विवाह किसके द्वारा किया जाता है, तो बापला विवाह मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों एग्जाम आएगा बार बार आ रखा है, बापला विवाह संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। कहाँ रहते हैं वो, तो वो रहते हैं कहाँ, छत्तीसगढ़ में, जी नहीं वह कहाँ रहते हैं, झारखंड के अंदर, सबसे बड़ी जनजाति है, मैंने कहा भी था आपको। नेक्स्ट, उसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति कौन है, टोडा, और वो क्या है, मैंने कहा था बहु पति प्रथा पाई जाती है वहां, उनमें भैंसों को पालन करते हैं। शैक्षिक रूप से आर्थिक रूप से संपन्न जातियों में खासी है, लेकिन वह करते हैं क्या, झूमिंग कृषि, कहाँ रहते हैं, या मेघालय के अंदर। उसी तरह से झूम कृषि का प्रचलन इनमें पाया जाता है। अब हम बात करेंगे रेसेस के बारे में, रेस क्या चीज है, तो यह इंडिया का एक मैप है बच्चों, जिसको आप देखिए, रेस का मतलब प्रजाति से है और प्रजाति कहाँ कहाँ निवास करती है, ध्यान से देखिए। ये वाला ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट के अंदर तो रहने वाले इंडिया के जो लोग हैं उनको हम यहाँ नाम देते हैं मंगोलियंस। तो मंगोलियन नस्ल के लोग कहाँ है, ऊपर वाले पार्ट के अंदर देखने को मिले। नीचे वाले, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया में निग्रिटो लोग मिलेंगे, निग्रिटो विशेषकर। हाँ, उसके अलावा ये वाली जो बेल्ट है या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ये भी बेल्ट है, ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड की बेल्ट है। तो यह बी एस गुहा ने 6 अलग अलग प्रकार के अंदर बांटा है, यस, उनके अलग अलग कुछ नाम भी मिलेंगे, कौन कौन सी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यह बी एस गुहा का अपना डिवीजन है, तो यहाँ निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, भूमध्य सागरीय, जिन्होंने बच्चों आर्यन सभ्यता को लाने का काम किया, भूमध्य सागरीय। और इसके अलावा हम बात करते हैं पश्चिमी चौड़े सिर वाले, यानी वेस्टर्न ब्रैंकिसिपेलिस, अल्पेनॉइड, डिनारिक और आर्मेनॉइड और नार्डिक, ये सब अलग अलग नस्ल के इंडिया में लोग हैं। नेग्रिटो की कैसी, इनकी अलग अलग विशेषता कैसी है, यह मैं आपको जानकारी दूंगा पहले पढ़ने के बाद। तो पहले मैं आपसे प्रश्न करवाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि प्रश्न एग्जाम में कैसे कैसे आएंगे। चलिए पहले प्रश्न कर लेते हैं, फिर आप जो है आराम से हम पढ़ेंगे थ्योरी के बारे में। देखिए, यस, सबसे पहले प्रश्न का आंसर दीजिए, 10 जाके रुकेंगे, हाँ 10 प्रश्न करने के बाद रुकेंगे बच्चों। पहला देखिए, भारत में जनजातियों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, ट्राइब्स के बारे में कौन सा कथन सही है, आंसर दीजिए, यस ना। कंपटीशन का ही प्रश्न है बच्चों ये, जो निकाल के यहाँ रखे गए। पहले प्रश्न के तरीके समझ जाओगे, फिर थ्योरी के ऊपर फिर पकड़ करके मजबूती से पढ़ोगे, नहीं तो हवा में ही उड़ा दोगे आप, और हवा में उड़ने पर हवा में ही उड़ जाओगे आप। देखो क्या लिखा है यहाँ, थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, तराई वाले क्षेत्र में मिलती है। उत्तराखंड की भी सबसे बड़ी जनजाति यही थारू है, और यूपी की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, लेकिन दोनों में निवास करती है, बात बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न है यहाँ, दूसरा पॉइंट है, इरुला, चेंचू और सुमाली, इरुला, चेंचू और सुमाली केरल में भी निवास करती है, तो यस करती है। चेंचू वैसे सबसे ज्यादा तो रहते हैं आंध्र प्रदेश में, लेकिन केरला में भी निवास करते हैं, कहा था मैंने। उसके अलावा ग्रासिया जनजाति जो है वह गोवा में पाई जाती है, जी नहीं, ग्रासिया राजस्थान में निवास करती है, और गाना नाचना बजाना से उन अपने जीवन को वह अपने आजीविका चलाते हैं। राजस्थान के अरावली क्षेत्र के अंदर, सिरोही और उदयपुर क्षेत्र और डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं ग्रासिया, गलत, गोवा की जगह क्या होना था, राजस्थान। इसका मतलब जहाँ 3 है वो तो आंसर बच्चों गलत है, तो ये गलत और ये भी गलत। अब चौथा देखते हैं, गद्दी जो है वह जम्मू कश्मीर और हिमाचल क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले और पशुओं को चराने वाले हैं, बिल्कुल गद्दी, अभी आपने देखा था हुक्का पी रहा था वो बाबूजी, है ना, वो क्या थे, वो यही थे, क्लियर। हाँ, आंसर क्या हुआ बच्चों, यानी तीसरा गलत, बाकी सब सही है,
तो तीसरा गलत बाकी सबसे, इसका मतलब कौन सा आंसर गया बच्चों, सी। आया समझ में? मैं आपको आराम से एक एक पॉइंट समझाते समझाते चलता, लेकिन मैंने देखा बच्चे परेशान हो रहे कि बस प्रश्न करो, चलो पहले प्रश्न करो फिर थ्योरी पढ़ना ना। हाँ मनोरंजन चाहिए बच्चों तो मनोरंजन नहीं मिलेगा ना, याद रखना, या तो मैटर मिलेगा और मैटर के साथ में सिलेक्शन होगा, याद रखना ना। हाँ जनजातियों में से कौन सी जनजाति जो बहुपतित्व प्रथा मिलती है, बहुपतित्व का मतलब एक व्यक्ति जो है दो परिवार में जितने व्यक्ति है तीन चार भाइयों की मिल करके एक पत्नी होगी, बहुपति प्रथा बोलते हैं। जैसे पांडवों के अंदर द्रौपदी के बारे में हम बातचीत करते हैं ना। हाँ तो यहाँ आंसर क्या जाएगा बच्चों जल्दी से जल्दी, गोंड में नहीं है, नागा में नहीं है, जौनसारियों में है और टोडा में है, तीन और चार, तीन और चार कहाँ गया, सी इज आंसर, क्लियर। हाँ क्लियर है, आगे बढ़िए। डी लगा रहे हैं बच्चे, डी क्यों लगाया अभी, क्या बात है, एक गोंड में तो होती नहीं प्रथा, बहुपति प्रथा नहीं होती ना। हाँ आंसर सी है, आगे बढ़ो अगले प्रश्न की ओर। हाँ बच्चों जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे आंसर निकाल पाओगे, खैर कोई बात नहीं, मैं तो प्रश्नों से ही आपको थ्योरी समझा दूंगा। लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति कौन है वर्तमान में, तो सबसे बड़ी कौन है, अभी अभी कहा था आपने भील, और दूसरी कौन है, दूसरी है गोंड, तो पहली कौन है, भील, ए इज करेक्ट। किन किन का ए आया बच्चों, क्लियर। हाँ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रानी दुर्गावती बहुत बड़ी जो है वीरांगना हुई है गोंड आदिवासी लोगों में, बहुत बड़े बड़े वहां राजा महाराजा भी हुए, गोंड गोंडवाना एरिया कहलाता था पहले, अकबर ने उसको एरिया को वो नहीं जीत पाया, आप हिस्ट्री में देखोगे मैप को भी तो समझेंगे। अगले प्रश्न को देखते, शॉम्पेन, शॉम्पेन यह धीरे धीरे खत्म होने जा रही है जाति, यह जनजाति धीरे धीरे खत्म होने जा रही है, और ये कहाँ निवास करती है, शॉम्पेन, ओंगे, शॉम्पेन, सेंटिनली, जोरवे, यस, तो कहाँ है बच्चों यह, तो यह आंसर है बी इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, यह पहली बार से ही प्रश्न का आंसर दिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखो रंग होना चाहिए पीला, कैसा पीला, आंखें होगी है तिरछी और उठी हुई कपोल की अस्थि कपाल, और थोड़े बहुत जो है शरीर पर हो बाल, हाइट भी ज्यादा नहीं हो मध्यम हाइट हो, कौन हो सकते हैं वो लोग, बाल कम आंखें तिरछी कहा था भी, कुछ जानकारी हो, बिल्कुल कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं कुछ सही भी कर रहे हैं, डी इज करेक्ट, वो कौन है, मंगोलियन, मंगोलॉइड नस्ल के लोग, क्लियर। हम सब इंडिया के मैक्सिमम जो लोग हैं इंडिया के नॉर्थ इंडिया का आर्यंस, अपने नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वो कौन है, ज्यादातर कॉकेसॉइड है, कॉकेसॉइड नस्ल के। नेक्स्ट और आगे बात करते हैं, देखिए क्या है, भारत के अंदर इनमें से कौन सी जनजाति ऐसी है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड का मतलब सेंट्रल इंडिया के एरिया में, छोटा नागपुर का पठार, सतपुड़ा और विंध्यचल क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा निवास करने वाली जनजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड कौन है, तो इरुला, यह इरुला तो बच्चों कहाँ है, केरल में, और यह एक प्रकार के निग्रिटो या निग्रोइड से संबंध रखती है। खांसी, यह मंगोलियन नस्ल की तरह से दिखते हैं और ये कहाँ है निवास करते हैं, तो यह तो मेघालय में निवास करते हैं। संथाल, हाँ जी संथाल बिल्कुल सही, थारू ये भी मंगोलियन नस्ल की तरह नजर आते हैं और नॉर्थ की तरह है, तो यह संथाल बिल्कुल सही गया, सी इज करेक्ट आंसर, संथाल झारखंड की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पांच छह हो गए हैं, दस पर जाके रुकूंगा, देखिए वो कौन सी आदिवासी के लोग हैं जो कि दीपावली को शौक त्योहार के रूप में मनाते हैं, दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाने वाले कौन है, तो दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाने वाली आदिवासी जनजाति कौन है, थारू, 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 यस मुंडा नहीं है, थारू है,
क्लियर, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या लिखा है, धौलाधार श्रेणियों में, धौलाधार पहले तो पड़ता का है, इसको ध्यान में समझना है। तो हिमालय की, मध्य हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो हिमाचल प्रदेश में धौलाधार के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, हिमाचल प्रदेश लिख भी दिया यहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में थारू कहाँ है, उत्तराखंड में, लेपचा कहाँ है, सिक्किम में, गद्दी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, और अबोहर कहाँ है, यह अरुणाचल प्रदेश में। आंसर क्या गया, क्लियर, आंसर सही क्या गया बच्चों, आंसर गया बी इज करेक्ट आंसर, क्लियर है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नौवा प्रश्न क्या कहता है, नौवा प्रश्न कहता है गारो आदिवासी जनजाति जो है, गारो यस, वो कहां निवास नहीं करती है, कहां नहीं पाई जाती है। तो यह इनके बारे में प्रश्न की बात करें तो गारो ट्राइब्स जो है वह मेघालय में निवास करने वाली मुख्यतः जनजाति है। दूसरी बात करें तो यह असम के अंदर भी निवास करती है। अब बात करें और निकट वाला पार्ट कौन है, तो मणिपुर वाला क्षेत्र भी ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा, लेकिन मिजोरम तो बहुत दूर पड़ेगा। तो आंसर जाएगा सी इसका, क्लियर। हाँ, सबसे ज्यादा कहाँ निवास करने वाली है, तो वह सबसे ज्यादा मेघालय में निवास करती है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, उसी पहाड़ियों पर यह आदिवासी लोग निवास करते हैं। और ये भी मात्र सत्तात्मक है, मैटरनल सोसाइटी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कहता है, टोडा कहाँ निवास करते हैं, टोडा आदिवासी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो टोडा भैंस को पालते हैं और यह भी बहुपति प्रथा, पॉलीएंड्री इनमें भी मिलती है, पॉलीगाइनी ना। और यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर तमिलनाडु में निवास करते हैं। सी इज करेक्ट, वेरी गुड। अभी भी कोई बच्चा बी लगा रहा है, लगाता चल, कोई डी भी लगा रहा है, लगाता चल ना। आगे बात करते हैं 10 तक। अब बताइए कितने प्रश्न सही और कितने गलत हुए, फटाफट यस। 10 में से 10 भी किए हैं। समझ में आया होगा बच्चों की प्रश्न कैसे आ रहे हैं कंपटीशन में। यह 12-13 सालों के कंपटीशन के ही प्रश्न मैंने उठाए, जो पीसीएस से लगा करके एनडीए सीडीएस और पीसीएस आईएएस और एसआई के सारे कंपटीशन के अंदर से लिए गए प्रश्न है। आगे बढ़ाए, पेशेंस नहीं रखते हो बच्चों, पेशेंस अगर रखते ना तो कुछ और बढ़िया मिल सकता था आपको ना, लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो जो है यह प्रश्न तो कर लीजिए, सीखिए ना। 10वां के बाद 11वां प्रश्न क्या है, देखो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मैचिंग पेयर सही नहीं है, नहीं है, पढ़ना है पहले प्रश्न फिर आंसर देना है। तो चलिए देखिए, भोटिया रहते हैं कर्नाटक में, खासी रहते हैं मेघालय में, संथाल झारखंड में, टोडा तमिलनाडु में। तो भोटिया कहाँ रहते हैं बच्चों, भोटिया रहते हैं उत्तराखंड में, कहाँ निवास करते हैं, उत्तराखंड में। तो सही कौन सा है और गलत कौन सा, समझ में आया, अभी भी डी लगा रहे बच्चे, डी क्यों गया रे, नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ है, तमिलनाडु में, टोडा वही तो है, तो बिल्कुल कौन सा, उत्तराखंड, पहला ही गलत गया। आंसर है आपका ए, ए आपका आंसर है, ठीक है। हाँ, ये आपने प्रश्न का आंसर दे दिया, किसी का बर्थडे बता रहा है, ठीक है भाई, तेरी जिंदगी और लंबी हो, ठीक है, भगवान खुशियां दे, मेहनत करे, किसी का दिल मत दुखाना, क्लियर। हाँ ठीक है, और मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये भी कह रहा है सुमेलित नहीं है, ध्यान से पढ़ना फिर आंसर देना है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बिहू एक डांस है असम के अंदर होता है, बात बिल्कुल ठीक है। ओणम भी एक फेस्टिवल है ये ना, हाँ, और यह फेस्टिवल कहाँ होता है ओणम, तो ओणम होता है केरल में, केरला में होता है ओणम। यहाँ क्या आया है मेघालय, गलत, संथाल झारखंड में रहते हैं, टोडा तमिलनाडु में रहते हैं। क्लियर, आंसर क्या गया इसका बी। ओणम के समय क्या किया जाता है, वल्लम कल्ली बोट रेस होती है, वेम्बनाड झील के अंदर क्या करते हैं बोट रेस, किसी ने देखा होगा कोई फिल्म आई थी बाजी के क्या था कुछ है ना, हाँ उसके अंदर यही दिखाया गया वहां, बिल्कुल है ना, हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते, वल्लम कली बहुत बड़ा फेस्टिवल है, वल्लम कली में क्या हो रहा पता है, वल्लम बोट रेस हो रही है, किस समय होती है ओणम के समय, यस तमिलनाडु में पोंगल होता है, गलत ना लिखे, हाँ। नेक्स्ट आगे देखिए क्या लिखा है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित वापिस नहीं है, समझना है और आंसर देना है, बताओ आंसर क्या जाएगा। अंगामी, अंगामी होते हैं नागा, तो नागा अंगामी नागा, इसका मतलब यह नागालैंड में रहते हैं, बिल्कुल सही है, क्लियर, हाँ। उसके अलावा अपातानी, अपातानी रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। उसके अलावा भूटिया, भूटिया जो रहते हैं उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये बात तो गलत है, भूटिया तो रहते हैं उत्तराखंड में, और भूटिया कहाँ रहते हैं सिक्किम में, और गौंड रहते हैं मध्य प्रदेश में, बिल्कुल बात सही है, गौंड मध्य प्रदेश में, दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, पूरा नर्मदा नदी के किनारे किनारे वाला क्षेत्र पूरा, हाँ गौंड आदिवासी जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है। आंसर क्या गया बच्चों, सी इज करेक्ट, सी इज अवर आंसर, क्लियर, हाँ। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, देखो क्या लिखा है यहाँ, ध्यान से पढ़ना इसको भी, इसको पढ़ने के बाद कोई किताबें नहीं पढ़नी बच्चों, मैटर पढ़ लेना और प्रश्न कर लेना, बस पूरा हो गया काम ना। बाकी करंट अफेयर्स का अगर कोई एग्जाम में आता है अलग से, तो करंट अफेयर से कोई ट्राइब्स जुड़ी होती है तो वो जरूर याद रखना। क्या लिखा है कौन सा, यहाँ भी सही नहीं है, ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है, कौन सा इसमें मैचिंग पेयर करेक्ट नहीं है, तो बुक्सा, बुक्सा कहाँ रहते हैं, तो बुक्सा लिखा है पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल का मतलब ये हो गया कि उत्तराखंड एक ही बात कर रहे हैं। कोल रहते हैं कहाँ, जबलपुर, जबलपुर का के अंदर कोल रहते हैं। मुंडा रहते हैं छोटा नागपुर के पठार पर, बिल्कुल मुंडा छोटा नागपुर का पठार का मतलब झारखंड, और कोरबा रहते हैं कोडागू में। अब आपके बहुत बढ़िया प्रश्न है ये पूछा गया, बहुत शानदार प्रश्न है, आंसर इसका आप दो तो मैं आपको जानू क्या है, हाँ जल्दी से जल्दी, यस। तो कोरबा बच्चों यह जनजातीय समूह जो है वह निवास करता है छत्तीसगढ़ में, और पलामू डिस्ट्रिक्ट अगर कहा जाए तो झारखंड में, कोडागु डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कर्नाटक में, कर्नाटक, तो इसका मतलब यह तो बिल्कुल गलत, तो इसका आंसर गया आपका डी, क्योंकि मैचिंग पेयर गलत है डी, क्लियर, हाँ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न कहता है आपसे, ध्यान से पढ़ना और सही करना, ये भी कौन सा मैचिंग पेयर सही नहीं है, असम अहोम, असम के अंदर रहते हैं अहोम, अहोम असम को अहोम ही बोलते हैं, और वहां के लोगों को भी आदिवासी लोगों को, नागालैंड में रहते हैं कोन्याक, कोन्याक रहते हैं नागा और कोन्याक, और अंगामी, ये तीनों ही वही रहते हैं। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं अपातानी, अभी अभी आपने पढ़ा भी, और फिर लिखा लिंबू, लिंबू कहाँ निवास करते हैं, लिंबू, तो लिंबू मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, ये पूछ रहा है, तो लिंबू मध्य प्रदेश में निवास नहीं करते हैं, लिंबू जो है वह निवास करते हैं कहाँ, उड़ीसा वाले पार्ट में, क्लियर, तो यह डी रॉन्ग हो गया, डी गलत हो गया बच्चा ना, हाँ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखो बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझना, मैचिंग पेयर है और करेक्ट हो वो चुनना है आपको, चेयर करना है, तो चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट है इसके,
अब जो बच्चे टिके हैं बच्चों वो खरे बच्चे हैं सिलेक्शन लेने वाले, बाकी तो इधर उधर चैनलों के ऊपर आपाधापी करने वाले झड़पने वाले बच्चे बैठे थे। अब सही मायने के अंदर बच्चे टिके हुए हैं वही सिलेक्शन वाले। देखिए भुटिया कहाँ रहते हैं, भुटिया रहते हैं कहाँ, सिक्किम में, क्लियर। टोडा कहाँ रहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में निवास करते हैं। सेंटिनलीज कहाँ रहते हैं, अंडमान निकोबार में रहते हैं, खूंखार लोग हैं। अब एक बचा वो आप कर ही लोगे कौन है, बिरहोर कहाँ रहते हैं, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में बिरहोर रहते हैं। बात बिल्कुल सही, कौन सा गया 3-1-4, तो 3-1-4-2 कौन सा गया आंसर बच्चों, ए इज करेक्ट आंसर, क्लियर। लगभग लगभग सभी का सही है, क्लियर बच्चों। आगे बढ़ाए, समझ में आ रहा है बिरहोर का मतलब क्या होता है बच्चों। वैसे ये छत्तीसगढ़ में ज्यादा निवास करते हैं, बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी, क्या होता है जंगल का आदमी। नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है मैचिंग पेयर करना है, यहां पर भी देखो क्या पूछा गया है। मोपला, मोपला एक मुस्लिम समुदाय है और आदिवासी के रूप में इसे समुदाय को माना गया है केरला के अंदर, केरला मोपला, केरला क्या मोपला। और देखोगे टोडा, टोडा अभी अभी आपने कहा था कहां, नीलगिरी की पहाड़ियां। मुंडा, मुंडा कहां, तो झारखंड के अंदर मुंडा निवास करते हैं, लिखा यहाँ कहीं झारखंड नहीं आया, झारखंड कहीं। तो अब अगर क्या कहे तो इसके अंदर पहले तो इनको दो को देखो, तो सी का 2 और ए का 3, तो ए का 3 दोनों में आ रहे हैं और सी का 2 जो है वह कान से पकड़ में आ रहा है, ये वाला आंसर कौन सा गया डी। दो से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ये तरीका है आंसर निकालने का। अब देख सकते हैं यहाँ क्या है, तो मुंडा देखो कहाँ निवास करते हैं, तो डी का फर्स्ट दिया है, उड़ीसा के अंदर भी मुंडा लोग निवास करते हैं। और मुरिया लोग जो है, मुरिया, मुड़िया, मारिया, अबुज मारिया, यह छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले आदिवासी जनजाति समूह है, क्लियर। हाँ यहाँ से पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखिए कौन सा प्रश्न, 18वां, बहुत गजब का प्रश्न है, MPPCS का प्रश्न है ये, मध्य प्रदेश सरकार के MPPCS का प्रश्न पूछा गया था, वहां से लिया गया है। कोई टॉपिक को हमने यहाँ लिखा नहीं कि कौन से कंपटीशन में है, लेकिन इसे देखते ही पता चलता है। सबसे पहले लिखा है कौन से एरिया में भील रहते हैं, तो पूरा मध्य प्रदेश देखोगे तो झाबुआ, धार, झाबुआ और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भील लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट और आगे देखोगे, बढ़िया प्रश्न, तो शिवपुरी क्षेत्र के अंदर कौन निवास करते हैं, तो शिवपुरी कहाँ पड़ता है, सहरिया वाला एरिया, यानी बारा और शिवपुरी वाला एरिया, तो वहां कौन निवास करते हैं, सहरिया। और बात करते हैं मंडला डिस्ट्रिक्ट, तो मंडला डिस्ट्रिक्ट यानी कि यह वाला पूरा एरिया आपने नर्मदा नदी के निकट वाला एरिया, गोंड निवास करते हैं, और इसके अलावा भरिया निवास करते हैं छिंदवाड़ा में। क्या आंसर लगाओगे, कौन सा आंसर लगाओगे, आपके सामने देखते ही पता चलना चाहिए कि सी का फर्स्ट डी का 4, तो सी का फर्स्ट और डी का 4 कौन सा गया आंसर बच्चों, सी इज करेक्ट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न। बोडो रेजिडेंस आर, बोडो कहाँ के लोग हैं, तो बोडो जो है असम की आदिवासी जनजाति है जो रहती है थोड़ा बहुत मेघालय के अंदर भी। तो मेघालय की कौन सी पहाड़ियां यहाँ आपको दिख रही है, यहां से आपको पता चल जाएगा। तो मेघालय की कौन सी पहाड़ी है, मेघालय की एक ही पहाड़ियां नजर आ रही है, गारो खासी जैंतिया। तो गारो कहाँ है, गारो कहाँ है देखो, तो ये रही गारो, गारो पहाड़ियों के अंदर। बोडो एक भाषा भी है, आपको याद होगा बोडो एक 22 भाषाओं में से एक राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है बोडो। आंसर गया बच्चों ए, क्लियर। हाँ गारो में, बाकी देखते ही पता चल रहा होगा कितना दूर दूर ऑप्शन लिए। गद्दीज, अब मैं नहीं बोलूंगा आप बोलोगे, गद्दीज कहाँ निवास करते हैं, गद्दीज कहाँ निवास करते हैं, तो गद्दीज कहाँ निवास करते हैं गद्दीज लोग,
तो गद्दी निवास करते हैं, भेड़ बकरी पालते हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर निवास करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल, वेरी गुड। अब आपने ट्रैक पकड़ना सीखा है। संजीव सर की भी क्लास होगी बच्चों, टाइम आने दो, संजीव सर की भी क्लास होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सा प्रश्न है। प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? शेरपा, शेरपा कहाँ रहते हैं? नेपाल में। बिल्कुल सही, नेपाल में रहते हैं। दूसरा थारू, थारू कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड और यूपी में। बिल्कुल सही है। टोडा, टोडा रहते हैं दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी की पहाड़ियों पर। बिल्कुल सही है। उसके अलावा जूलू, जूलू, जूलू कौन है? जादूगर। और कहाँ रहते हैं? यह साउथ अफ्रीका में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बच्चों? साउथ अफ्रीका कंट्री में निवास करते हैं, नेटाल प्रांत वाले एरिया में। जूलू विद्रोह भी हुआ वहां। तो यह आंसर नहीं है, गलत है यह मैचिंग पेयर। इसका मतलब आंसर हमारा डी इज करेक्ट। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते हैं। यस, जूलू, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कहता है, मैचिंग पेयर करना है फटाफट। यस, देखो आपके भरोसे, अब कोशिश करो, सही करोगे। जल्दी बताओ, प्रश्न कर रखा हमने। बी डी, जल्दी फटाफट। हाँ, अरे शेर बच्चे हो, हिम्मत वाले हो, कुछ कर गुजरने की ताकत रखते हो, फिर क्या बात है? समस्या कहाँ आ रही है बताओ, करते हैं। देखो भील कहाँ? तो भील है राजस्थान में। इस वाले पार्ट से देखते हैं, इससे देख के करना बच्चों। हाँ, मैचिंग पेयर को, और भी बहुत सारे जगह है भील तो, लेकिन इसको देखेंगे तो कहाँ निवास करते हैं? इस राजस्थान में, यानी ए का फोर, और ए का फोर का मतलब इन्हीं में से आंसर आएगा। दूसरा क्या प्रश्न का आंसर निकाल लेंगे सब, अगर याद नहीं रहे तो देखो, अगर ये आ गया तो डी का फर्स्ट है ये, तो डी का फर्स्ट लगाओ। डी कौन है? लेप्चा, लेप्चा कहाँ रहते हैं? सिक्किम में। कहाँ लिखा? सिक्किम। ये आया तो डी फर्स्ट आएगा वैसे आंसर। अब उसको और आगे देखते हैं, यहाँ से दोनों से चल रहा है, अब इन पर हमारा आंसर टिका है। देखते हैं, अब आ रहे संथाल, तो संथाल सबसे बड़ा जनजातीय समूह कहाँ का? झारखंड का। कहाँ लिखा? झारखंड, झारखंड थ्री, तो यह थ्री कौन सा? बी का थ्री, तो बी का थ्री कहाँ है? यहाँ है। आंसर कौन सा गया? बी। और राजी कहाँ है? मैंने बताया था राजी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं, काफी कम संख्या है इनकी संकटग्रस्त जाति के रूप में, कास्ट कला में प्रवीण होते हैं और साइलेंट ट्रेड करते हैं, मौन व्यापार करते हैं, इनकी विशेषता है। क्लियर? और आगे देखते प्रश्न को, क्या दिखता है प्रश्न? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सी जनजाति कहां नहीं रहती है? देखो कौन सी जनजाति? भील कहां रहते हैं? तो भील रहते हैं गुजरात में, बात ठीक है। जौन सारी कहां रहते हैं? उत्तराखंड में। संथाल कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में है, हाँ। और मेघालय में रहते हैं खासी। संथाल कहां रहेंगे? झारखंड में। क्लियर? झारखंड आंसर कौन, ये गलत कौन सा है बच्चों? सी गलत है। क्लियर? हाँ, सिद्धार्थ बोहिपाल, हाँ ठीक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं क्या कहता है। डू सीजन ट्रेवलर्स, सीजनल माइग्रेशन जहां पाया जाता है, ऋतु प्रवास, गर्मियों में पहाड़ों पर जाएंगे, सर्दियों में वापिस नीचे आएंगे, वो कौन से लोग हैं पहाड़ों पर निवास करने वाले? इसका मतलब बर्फीला एरिया होगा, वो बर्फीला एरिया बहुत ऊपर, तो वो कौन सा है लोग हो सकते हैं? भुटिया लोग इज करेक्ट आंसर। भुटिया उत्तराखंड में, और भुटिया कहाँ बोलेंगे ने? सिक्किम में। अलग अलग कहीं जाड़ बोलते हैं, कहीं जाड़ भी ने कहा जाता है, जैसे हम कहेंगे कहाँ उत्तरकाशी में ने जाड़ भी कहा जाता है। क्लियर है? जॉन सारी नहीं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। देखो और क्या है, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? यह प्रश्न भी तीन बार चार बार गूंज चुका है। सहरिया दो ही स्टेट में निवास करते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान।
मध्य प्रदेश में इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा 5 लाख के आसपास है, और 1 लाख के आसपास 12 डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का 12, और इसमें विशेष कर कहा जाए तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। क्लियर, आगे बढ़ते। अगले प्रश्न की ओर। तो लिख लिया आपने शहरी या जनजाति कहाँ निवास के, आंध्र में, असम में, राजस्थान में, ओडिशा में। आंसर कौन सा गया 3। क्लियर, यस, आगे बढ़ते। अगले प्रश्न की ओर देखते, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या पूछा गया, प्रश्न को समझना और फिर आंसर देना है। इसमें से एक ऐसी जनजाति है जो सरहुल फेस्टिवल मनाती है। सरहुल फेस्टिवल का मतलब होता है साल, एक ट्री आता है साल वृक्ष, उसके फूलों का त्योहार है ये, उनके फूलों का त्योहार है, और मार्च अप्रैल महीने के अंदर यह मनाती है उस फेस्टिवल। सीधा प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, सरहुल त्योहार फेस्टिवल। तो यह मैं आपको यह लिख दूं कि यह झारखंड से संबंध है। झारखंड से कहते ही आपके सामने दो आंसर फ्लॉप हो गए ये दोनों, क्योंकि तो भील तो झारखंड में रहते ही नहीं है, थारू भी रहते नहीं है, ये दोनों रहते हैं वहां, ठीक। तो संथाल है या मुंडा है, तो यह फेस्टिवल मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आंसर इज बी, करेक्ट, क्लियर, हाँ, संथालों के द्वारा नहीं, बी इज करेक्ट बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरहुल फेस्टिवल कई बार एग्जाम आ चुका है, हाँ। आगे देखिए क्या पूछा गया प्रश्न को, ध्यान से देखना और फिर शायद यहाँ पर ऑप्शन भी दिए, ठीक। इनमें से कौन सा सही नहीं है, पहले प्रश्न को पढ़ना है, विच इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, देखिए कौन सा सही है। संविधान के, भारत के संविधान की में अनुसूचित जनजाति का कोई परिभाषा नहीं है, यस, कोई डेफिनेशन नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, डेफिनेशन दी ही नहीं गई है उसकी। कहते हैं अलग, आदिवासी है, गिरिजन है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बात बिल्कुल सही। दूसरे कहते हैं देश के कुल जनजाति का आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है, यह बात तो बच्चों गलत है, क्योंकि सेंट्रल वाला, मिडल वाला पार्ट है, वहां 80% आदिवासी जनजाति रहती है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, तो यहां पर 50% से ज्यादा कैसे रह सकते, तो यह आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं, टोडा नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, बिल्कुल रहते, पढ़ाई ही हमने। नागालैंड के अंदर बोली जाने वाली भाषाओं में लोथा एक भाषा है, यस, लोथा एक लैंग्वेज है जो बोली जाती है अंगामी नागाओं और वहां के नेटिव पीपल के द्वारा, लोथा, यस, बहुत खतरनाक प्रश्न था यह जो आपने सॉल्व किया है, अगर आंसर गया बच्चों इसका बी, यस, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न। जो झूम की खेती करते हैं उनमें से वो कौन से लोग हैं, तो यहां से एक प्रश्न का आंसर मैं इस तरह से बता सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले वो आदिवासी जनजाति है जो मेघालय की खासी पहाड़ियों पर रहते हैं, वो करते हैं झूम की खेती। वो कौन है, खासी पहाड़ियों पर रहने वाले खासी लोग। झूमिंग क्या होता है, बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर, या इसे कहते हैं झूम, या कहीं कहीं पर इसे कहते हैं टोंगिया, कहीं रोका, कहीं मसोले, अलग अलग नाम दिया जाता है। ये एक प्रकार की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, यानी कि स्थानांतरितशील कृषि है, उसे झूम बोलते हैं उस एरिया में। क्लियर, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, खासी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न, देखिए, भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, देखिए, भारत की सबसे पुरानी आदिवासी जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार एरिया में। अंडमान निकोबार एरिया में इनमें से कौन सी है, बताओ, आंसर आ जाएगा आपका,
बताओ आंसर आ जाएगा। गोंड कहाँ है सबसे ज्यादा, तो गोंड तो हम कहते हैं यूपी, छत्तीसगढ़ और एमपी वाले एरिया में है, छोटा नागपुर का पठार वाला पार्ट। जारवा कहाँ है बता दो आप, कहाँ है जारवा। जुआंग कहाँ है, लेपचा कहाँ है, तो सबसे पुरानी अंडमान निकोबार के अंदर पाई जाने वाली निवास करने वाली कौन है, जारवा। बिल्कुल सही दिया आंसर किसी ने, बच्चे ने 20 करेक्ट भाई। नेक्स्ट, हाँ जारवे सबसे पुरानी। लेपचा कहाँ है, सिक्किम में। नेक्स्ट देखो क्या पूछा गया यहाँ, ओंगे कहाँ है, ओंगे कहाँ निवास करने वाली आदिवासी जनजाति है भारत की, ओंगे। यस बताइए कहाँ है ना, आप बताएंगे मैं देखूंगा आंसर सुनूंगा। ओंगे रहते हैं लक्षद्वीप में, नहीं दमनदीव में, नहीं दादर नगर हवेली में, नहीं अंडमान निकोबार में। हाँ जी इज करेक्ट, कोई दमनदीप ही लिख रहा है बच्चा, क्लियर। हाँ आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर चलते, देखिए 30 तो हो गए। यस यह प्रश्न भी 2013 यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया बच्चों, 16 में पूछा गया और 19 की बात भी करते हैं। देखो समझे कौन कौन सा प्रश्न, लिंबू कहाँ निवास करते हैं, लिंबू। कार्बी कहाँ निवास करते हैं, डोंगरिया कौंद कहाँ रहते हैं और बोंडा कहाँ रहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया ये एग्जाम में, लिंबू और लिंबुडा से है। तो लिंबू ये प्रश्न सिक्किम में निवास करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है बच्चों। कार्बी जो है ये हिमाचल प्रदेश में निवास नहीं करते हैं, ये कार्बी अलोंग एक पठार है असम के अंदर, ये असम वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। डोंगरिया कौद उड़ीसा में रहते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। और बोंडा भी उड़ीसा में रहते हैं, ये बात गलत होगी। इसका मतलब ये दोनों गलत, कौन सा दूसरा और चौथा दोनों गलत है, इसका मतलब पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही कहाँ है, ए इज करेक्ट, क्लियर। हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न, शानदार प्रश्न। ऐसा करना, मार्केट में जो किताबें चल रही हैं उन किताबों को पढ़ना और इनमें से कौन कौन सा सॉल्व प्रश्न हो रहा है वो जरूर बताना, और फिर मैं ये पीडीएफ भेजूंगा, उसकी पीडीएफ को भी देखना, उसके मैटर को भी देखना, कौन कौन से प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं और इसके अलावा भी बनने की क्या संभावना बनेगी वो आपको समझ में आएगा, क्लियर। हाँ चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की। अब मैं यहाँ कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप खुद बोलोगे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, कुछ बच्चों को डाउट भी हो सकता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, लार्जेस्ट ट्राइब। इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब तो भील है बच्चों, लेकिन भील या ऑप्शन में कहीं है नहीं है, तो दूसरी कौन है, गोंड। तो आंसर क्या गया, गोंड, क्लियर। हाँ आगे बढ़िए अगले प्रश्न की, देखिए क्या कहता है। इनमें से वो कौन सी जनजाति है जो पाई जाती है केरल में, करेल हो गया, केरल के अंदर पाई जाने वाली जनजाति कौन है, गलती होगी भी। हाँ। केरल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो यहां देखोगे डाफर, डफला, लेपचा और चेंचू। तो डाफर कहां मिलते हैं, तो ये मिलते हैं गुजरात में, गुजरात। डफला कहां है, डफला मीरी अबोर मिशमी कहां, अरुणाचल प्रदेश में, तो यह अरुणाचल प्रदेश। लेपचा कहाँ देखने को मिलते हैं या कहाँ ये रहते हैं, निवास करते हैं, हैबिटेट कहाँ है, तो इनका है सिक्किम के अंदर, सिक्किम में। और चेंचू कहाँ रहते हैं, ज्यादातर चेंचू ज्यादातर तो रहते हैं नल्ला मलाई की पहाड़ियां, आंध्र प्रदेश, उसके अलावा कुछ संख्या में रहते हैं तेलंगाना में, कुछ तमिलनाडु में भी, और कुछ जो है केरला में भी निवास करते हैं, इसका मतलब ए करेक्ट है। यस क्लियर। हाँ देखो प्रश्न के तरीके को समझोगे तो समझ में आएगा कैसा प्रश्न था।
ये प्रश्न सही करोगे, करंट अफेयर्स में भी काफी ज्यादा पूछा गया ये प्रश्न एग्जाम में। आगे देखते हैं। अरे ये हिंदी में तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, कौन सा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चे हैं? मंगनियार या मंगनियार जो जाति है, ये एक मुस्लिम समुदाय है जो थार के रेगिस्तान में रहता है और बाड़मेर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, और यह गाना बजाने वाली जनजाति है। क्लियर? कहाँ लिखा है ऐसा? कहीं लिखा है ऐसा? तो लिखा है पश्चिमोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट की वेस्ट की बात की है इससे ही पता चल रहा है। अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है और दक्षिण भारत में नहीं है, मध्य भारत में नहीं है, पूर्वोत्तर भारत में नहीं है, इसी से बात का आपका आंसर आ रहा है, बी इज करेक्ट। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत फास्ट चल रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा बहुत फास्ट चल रहा है ना। हाँ, ये भी फास्ट है तब तो फिर जो चलते रहो आराम से। चलो करो इसको, प्रश्न को देखो क्या कहता है प्रश्न। भारत के अंदर चांगपा के बारे में बात करना, चांगपा, तो चांगपा समुदाय कहाँ है? मैंने फोटो भी दिया था आपको यहाँ, लेकिन याद नहीं आ रहा होगा चांगपा कहाँ है। तो चांगपा, चांगपा कहाँ निवास करते हैं? तो चांगपा सबसे पहले इसके अंदर अगर बात की जाए तो चांगपा लद्दाख में निवास करते हैं। कहाँ? लद्दाख में। तो पहला तो आपका ये गलत हो गया, उत्तराखंड। दूसरा, ये अच्छी किस्म के ऊन देने वाली पश्मीना बकरों और बकरियों को पालते हैं, यह तो इनकी विशेषता है, यह तो इनकी विशेषता है। और तीसरा, उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा गया है, बिल्कुल लद्दाख की बात कर रहे हैं। तो एक गलत, बाकी दोनों सही। तो दूसरा और तीसरा से इसका मतलब आंसर गया बी बच्चों, आंसर बी। एयरफोर्स की भी बच्चे क्लास होगी, टाइम आने दे, भेजा जाएगा तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन, चिट्ठी भेजी जाएगी, लेटर भेजा जाएगा। क्लियर? हाँ। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? उत्तराखंड की पूछा प्रश्न, तो ये देखो अलग अलग तरीके से प्रश्न। उत्तराखंड की सबसे बड़ी शेड्यूल ट्राइब्स कौन सी है? पहले थी जौनसारी, वर्तमान में कौन है? थारू। तो यह जौनसारी पहले थी, वर्तमान में थारू, तो डी इज करेक्ट आंसर। थारू जो है यह यूपी में भी रहते हैं और यूपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्लियर? हाँ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? यहां पर आदिवासी लोग निवास नहीं करते हैं। कहा भी था शायद, कुछ बढ़िया हो जाए। लाइक करो बच्चों ना। हाँ, जितने भी बैठे हैं लाइक करिए। तो यहां पुदुचेरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में यह निवास, और चंडीगढ़ वाले में पार्ट में यह निवास नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में, हरियाणा में नहीं। सी इज करेक्ट। क्लियर? बहुत अच्छा, वेरी गुड, यह सही दिया सभी ने आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते प्रश्न क्या कहता है। विवाह के प्रकार से भी प्रश्न आया हुआ बच्चों, अंडी यानी कि बातचीत के द्वारा। दूसरा, अपौर्तिपी, अपौर्तिपी का मतलब अपहरण करके विवाह होते हैं। कौन सी जनजाति में, कौन सी आदिवासी समूह के अंदर ये होते हैं? तो यह हो में होते हैं, पहाड़िया में होते हैं, मुंडा में होते हैं, उराव में होते हैं। ये सभी झारखंड जेपीसीएससी, झारखंड पीसीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न बच्चों। प्रश्न को देख के पता चलता है, क्योंकि इतना निकट निकट प्रश्न देना, वही पीसीएस का ही प्रश्न है। तो यह हो आदिवासी जनजाति जो है करती है। ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, वेरी गुड भाई, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। संथाल कौन सा करते थे?
मुंडा कौन सा करते थे, हो कौन सा करते, उराव कौन सा, ये सब मैंने आपको बताया था अभी। आगे देखते धूमकुड़िया। धूमकुड़िया एक सामाजिक संस्था है। धूमकुड़िया ये भी जेपी झारखंड पीसीएस का एग्जाम है, उसका प्रश्न पूछा गया। और बाकी ये तो कॉमन भी आ रहा है, अब तो कॉमन भी हो गया, पीसीएस के अलावा आईएएस में भी पूछा गया प्रश्न। धूमकुड़िया जो है वो क्या है, किस जाति में संबंधित, तो ये एक सामाजिक संस्था है, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर 10 से 11 साल की एज में, वर्ष की एज में एडमिशन होता है, प्रवेश दिया जाता है, और वहां पर उन्हें समाज में रहना, खाना, बैठना, उठना, चलना, पहनना, समाज में व्यवहार करना, वो सब ट्रेंड किया जाता है। और इनका भी मेल और फीमेल के लिए अलग होता है। मेल वाला जो यानी कि पुरुषों का जो धूमकुड़िया होता है, उनका हेड होता है, उसे महतो कहते हैं। क्या बोलते हैं? महतो। तो ये किन में पाया जाता है? यह उराव जनजाति में मिलता है। वेरी गुड, शाबाश बच्चा। हाँ, ठाकुर रुद्र, बिल्कुल वेरी गुड, उराव में होता है, ए इज करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट और देखते हैं क्या प्रश्न है। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? संथालों के अंदर सबसे जाति बड़ी कहां की? या संथाल झारखंड की। विवाह का सबसे सामान्य रूप को कहते हैं बुपला या बापला। क्या बोलते हैं? बुपला या बापला। हाँ, बापला भी बोलते हैं या बुपला बोलते हैं, क्लियर। सबसे कॉमन कहाँ का? संथालों का विवाह। संथालों में विवाह को बुपला या बापला बोला जाता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की। आसान सा प्रश्न है, आप जरूर सॉल्व कर दोगे। बताइए। यस, कुछ बच्चे रियल में इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं और कुछ जो है भगदड़ है, भगदड़ जो बस दूसरों को डिस्टर्ब करने वाले। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। कत्था, कत्था किससे बनाएंगे? खैर से। खैर एक प्लांट होता है, खैर का प्लांट, अकेशिया कटेचू, अकेशिया कटेचू खैर, तो उससे खैर से बनागा खैरवार। खैरवार मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, मिर्जापुर यूपी। और ये खैर से निकला कत्था चमड़े उद्योग में, लेदर इंडस्ट्रीज में काम आएगा, लेदर इंडस्ट्रीज में काम आता है, क्लियर। आंसर क्या गया बच्चों, बताइए आंसर। तो यहां कौन सा गया? सी गया, सी इज करेक्ट आंसर, खैरबा। यस, खैरबा। हाँ, क्लियर। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए, लोहासुर, लोहासुर एक ऐसी आदिवासी जनजाति है यहाँ जो लोहासुर को अपना देवता मानते हैं। लोहासुर को अपना देवता मानते हैं, वो कौन है? पहले तो गोंड, भील, कोरकू और यह अगरिया। अगरिया समुदाय जो झारखंड, झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में निवास करता है विशेषकर, वो लोहा पिघला करके लोहा से जो है अलग अलग प्रकार की आइटम्स तैयार करता है एग्रीकल्चर, जैसे हंसिया है, दराती है, कुल्हाड़ी ऐसी। तो वो अगरिया समुदाय जो है लोहा से संबंध रखता है और इसलिए वह लोहासुर देवता को पूजते हैं। लोहासुर, असुर भी वहाँ एक आदिवासी जनजाति क्षेत्र में असुर, और उसका संबंध भी लोहे से है, क्लियर। तो इसमें गया आंसर बच्चों, डी इज करेक्ट आंसर, कोरकू नहीं। हाँ, कोरकू नहीं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कोरकू सबसे पुरानी जनजाति में से एक है हमारे मिडिल इंडिया की, अगरिया समुदाय। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें,
इनमें से कौन सा द्रविड़ियन प्रजाति का समूह केंद्रण है? द्रविड़ियन लोग कहाँ रहेंगे? साउथ इंडिया की बात करेंगे तो अब तो कुछ करना ही नहीं, यहाँ आंसर क्या लगाना, ए साउथ इंडिया, इंडिया में द्रविड़ियन समुदाय रहता है, निवास करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, जहां प्रश्न डिस्क्राइब करने का होगा मैं वहां जरूर कराऊंगा, यह प्रश्न मैं डिस्क्राइब नहीं कराऊंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा कि इसका आंसर आप दें, क्योंकि कम से कम ये 3 बार रिपीट भी हुआ है। बताइए फटाफट बताइए, तो टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? जौनसारी की पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, तमिलनाडु। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, सी इज करेक्ट आंसर, सबने सी दिया है, बिल्कुल ठीक है। हाँ गलत मत देना, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कोई बच्चे सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से भी है, झारखंड के अंदर तो बहुत ज्यादा आदिवासी जनजातियां अलग अलग पाई जाती है, निवास करती है, आपको इसके बारे में और भी बहुत बढ़िया जानकारी होगी जरूर। बहुत अच्छा भी। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और आदिम प्रजाति कौन सी, इनमें से सबसे पुरानी आदिम प्रजाति कौन सी है? यहाँ जो लिखा है सबसे प्राइमेटिव जनजाति, यहाँ पर कोवर नहीं, कोर नहीं, कर्माती, कर्माती है लेकिन पुरानी नहीं है, कोरवा, कोरवा या कोरवा, वो सबसे पुरानी है, डी इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछी गई, कोरबा या कोरबा, जो कोरबा डिस्ट्रिक्ट कहाँ, छत्तीसगढ़ का, और पलामू डिस्ट्रिक्ट कहाँ का, झारखंड का, उस वाले क्षेत्र में यह निवास करती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है, यह भी आप ही करोगे, देखो बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसे फटाक से। कौन सी आदिवासी जनजाति कहाँ निवास करती है? बहुत आसान सा प्रश्न है, आप बहुत आसानी से कर लोगे इसे, करिए बताइए फटाफट। अच्छा आंसर भी आ गया, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, तब तो एक्सपर्ट हो गए आप, बहुत बढ़िया। थारू कहाँ है? तो थारू है उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, तो ए का लगा दिया, चार, ए का लगा दिया चार, फिर भी आपका आंसर नहीं गया, एक ही गलत हुआ अभी। फिर देखा आपने भील, तो भील कहाँ है? राजस्थान में, तो बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट कहाँ गया? ये वाला आ गया फर्स्ट, अभी भी आपके 2 आंसर और भी बचे, ये गलत हुआ ऊपर वाला भी। फिर देखते हैं गद्दी, गद्दी कहाँ रहता है? हिमाचल प्रदेश में, सी से ही, तो सी का टू, तो सी का टू कहाँ, ये गया आंसर, गया बच्चा आपका डी, वेरी गुड, शाबाश, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में काफी ज्यादा आया है। यह पहाड़ियों के नाम है जो हम बात करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, देखो प्रश्न मैप से उठाया गया प्रश्न है और एग्जाम में कई बार आ चुका है ऐसा ही। देखो गारो, खासी, जयंतिया और नागा पहाड़ियां ऐसे हैं, ये नागालैंड में है और यह मेघालय में, आंसर देखो कहाँ है, तो गारो सबसे पहले, गारो आंसर आएगा, खासी, जैतिया और नागा, आंसर गया सी, क्लियर, हाँ सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते अगले प्रश्न, देखो 7-8 प्रश्न और बचे ना, हाँ इनमें से कौन सा नस्लीय समूह उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और वन क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तर पूर्वी पहाड़ी और वन क्षेत्र में दिनारिक, भूमध्य सागरीय, मंगोलॉइड, प्रोटोसलॉइड, ये प्रजाति से पूछा गया बच्चों। बी एस गुहा ने जो 6 अलग अलग प्रजातियां भारत के अंदर बताई है, उनके अंदर मंगोलॉइड लोग जो है, तिब्बतन मंगोलॉइड लोग वो है, इस क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं, सी इज करेक्ट आंसर। प्रोटोसलॉइड की बात करेंगे, प्रोटोसलॉइड की बात करेंगे तो यह मिडिल इंडिया के अंदर की बात है, भूमध्य सागरीय बात करेंगे तो हम यह मेनली हड़प्पा सभ्यता का ऊपर वाला पार्ट, यानी कि इंडिया का मिडल पार्ट, नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, उत्तर भारत के क्षेत्र। और ये डिनेरिक की बात करें, डिनेरिक एल्प्स, तो यह इंडिया में अलग अलग, जैसे कोडागू वाला पार्ट कहीं हो गया, या फिर हम कह मुंबई के आसपास वाला कोई एरिया हुआ, वहां ये निवास करते हैं, आंसर क्या गया बच्चों, सी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, देखो ये भी आप ही करोगे,
बहुत आसान सा प्रश्न है, कौन सा सुमेलित है, इसका मतलब बहुत सारे गलत भी है, एक यहां पर सही होगा, और जो सही है और गलत है उसको भी सही करोगे आप। देखो सबसे पहले थारू रहते हैं महाराष्ट्र में, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, सुमेलित है नहीं है, क्योंकि थारू कहाँ, यूपी और उत्तराखंड में। उसके अलावा भूटिया, तो भूटिया रहते हैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश में, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि भूटिया कहाँ रहते हैं, सिक्किम में, और भूटिया कहाँ रहते हैं, उत्तराखंड में। संथाल कहाँ रहते हैं, झारखंड में, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। और कोल, कोल रहते हैं राजस्थान में, नहीं, कोल कहाँ रहते हैं, तो कोल जो है यह मध्य भारत की बात करते हैं, कोल, हाँ कोल मुंडा, यानी कि हम कहाँ के, झारखंड की बात कर सकते हैं। कोली जो है, अगर यहाँ कोली लिखा होता तो यह गुजरात के, याद रखना ना। हाँ नेक्स्ट आगे बढ़ते, सही कौन सा गया बच्चों, सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 50 तक पहुंच गए, 6 प्रश्न और बचे हुए, देखते कौन कौन से, वो भी कर लो। इनमें से शोम्पेन आदिवासी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो शोम्पेन मिलती है अंडमान निकोबार में, आंसर गया निकोबार, यानी बी इज करेक्ट। क्लियर, स्पीति घाटी कहाँ है, तो स्पीति लाहौल स्पीति कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, नीलगिरी तमिलनाडु में, लक्षद्वीप जानते हो अरब सागर में। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, देखो क्या कहता है, बढ़िया से करो इसे, हाँ फटाफट, यस, क्या लिखा है, भुटिया, भुटिया का सिक्किम के, तो सिक्किम के भुटिया दो, ए का दो आंसर वैसे आपका आ गया, ए का दो आंसर आ गया, कौन सा, ए। फिर भी देखो हो कहाँ के, तो हो कहाँ के, झारखंड के, तो वो भी झारखंड, मारिया और अबुज मारिया कहाँ के, तो छत्तीसगढ़ के, बिल्कुल फोर सही है। सहरिया कहाँ के, सहरिया का मध्य प्रदेश के और राजस्थान के, आंसर आ गया बिल्कुल ए इज करेक्ट, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। और देखते हैं, 3-4 प्रश्न बचे हुए, वो भी देख लेते हैं, देखो क्या लिखा है, कौन सी जातियां हैं और कौन कौन सी एरिया में वो निवास करती है, और कौन सा सुमेलित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में मीरी पहाड़िया, मीरी वहां आदिवासी रहते हैं, नागालैंड में कोनियाक है, कोनियाक रहते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर गोंड रहते हैं, और आंध्र प्रदेश के अंदर बंजारा, बंजारा नहीं रहते, बंजारा कहाँ रहते हैं, गुजरात में, गुजरात में, इसलिए आंसर गया बच्चों आपका डी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न। हाँ, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी के बाद भारत के अंदर कोई भाषा है, तो वह है बंगाली, ए इज करेक्ट, लंबा नहीं जाएंगे हम, बंगाली के बाद में जो है तमिल बोली जाती है, हाँ मराठी है, तेलुगु है, सिंधी है, उर्दू है ना, हाँ भोजपुरी भी है, बहुत ज्यादा संख्या में बोले जाने वाले लोगों। आगे देखते, 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो दिया गया, वो दिया गया बच्चों उड़िया को, यानी कि यहाँ से कुछ लैंग्वेज से भी प्रश्न आए हैं, उड़िया, उड़ीसा की लैंग्वेज भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है 2014 में। क्लियर, हाँ। आगे बढ़ते हैं, 2 प्रश्न शायद और बचे, एक यह और एक इसके अलावा और ये, 56 ही प्रश्न है, हाँ देखते हैं क्या पूछता है प्रश्न, देखो यह 55 प्रश्न कहता है, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह, सबसे बड़ा भाषाई समूह है इंडो आर्यंस, इंडो आर्यंस का लिखा है, यह है इंडो आर्यंस, इंडिया में सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाला समूह इंडो आर्यंस ही है, बी इज करेक्ट आंसर, यस, इंडो आर्यन का मतलब उत्तर भारत का जो हिंदी भाषी क्षेत्र है ज्यादातर, वो इंडो आर्यंस का ही क्षेत्र कहलाता है, जो वेद लिखे जिन्होंने, और ये उत्तर भारत का आर्यन संस्कृति जहाँ है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, देखो कौन सा प्रश्न सही बता रहा है, यस चलिए देखते इसके बारे में भी जानकारी ले लेते। गोवा में कोंकणी बोली जाती है, बोली जाती है बिल्कुल ठीक है, मेघालय में खासी बोली जाती है ठीक है, नागालैंड में अंगामी बोली जाती है, तिब्बत में, अच्छा सिक्किम में तिब्बती नहीं बोली जाती, नेपाली बांग्ला बोली जाती है, तिब्बत का बहुत कम प्रभाव है, इसने ये कुछ कहा होगा, कौन सा जोड़ा सुमेलित, और मेन लैंग्वेज पूछ रहा है,
आंसर गया बच्चों आपका डी। मैन तो बोली जाती है बंगाली और नेपाली का ज्यादा असर है वहां, तिब्बत का भी थोड़ा बहुत असर है, लेकिन भाषा वहां इतनी मेनली नहीं बोली जाती। देखते हैं प्रश्न क्या बोलता है, देखो। यस, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी संबंधित नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में मोनपा, निशी, अपातानी है, इरुला केरल में है, इरुला केरल में निवास करने वाली आदिवासी जनजाति। आंसर क्या गया बच्चों, डी इज करेक्ट। क्लियर? यस। आज आगे चलते, उसके अलावा हाँ दो तीन प्रश्न और है भी, ये लास्ट प्रश्न आपका, ठीक है। 58वां लास्ट प्रश्न का देखिए, गलत मत करना हाँ, नहीं तो सब इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि तब से आप बैठे हैं, आप खरे स्टूडेंट हैं, रियल में खरे हैं, और अब तक आप बैठे हैं। बिल्कुल, उराम कहाँ? तो उराम है झारखंड का जनजातीय समुदाय। ओंगे जोरवे, ओंगे कहाँ की बात कर रहे हैं? अंडमान निकोबार का। सेमा नागालैंड वाला पार्ट में रहते हैं सेमा। और बिरहोर जिसे कहते हैं जंगल का आदमी, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में निवास करते हैं। तो यहाँ रहा क्या पीछे, ये बिरहोर छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा। क्या गया आपका आंसर? 4321। 4321 कहाँ है? बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। इसका क्या गया? 4। तो ए का 4 है, ए का 4 का मतलब यही से आंसर आना है। बी इसने खुद ने बोल दिया अंडमान निकोबार का मतलब 3, तो ये खुद का इसका आंसर आ गया। अब सी, सी का मतलब सेमा का नागालैंड, नागालैंड का 2 का मतलब कौन सा हो गया? बी इज करेक्ट आंसर। आया बच्चा समझ में? यह आदिवासी जनजाति समूह से बनने वाले अब तक 22-23 साल के प्रश्नों का कलेक्शन था, जो अलग अलग कॉम्पिटिशन में पूछे गए थे। बहुत आसान सा है, सिर्फ एक तरफ जनजातियां और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ जो है स्थान लिखने से आपको याद नहीं होगा। और यह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारत को समझने के लिए, भारत के मूल निवासियों को समझने के लिए, आदिवासी जनजातियों को समझने के लिए, उनकी कला संस्कृति परंपराओं को समझने के लिए, जहां पर हमने आज इस चैप्टर के अंदर काफी सारी चीजें पढ़ी और कुछ चीजों को मैंने छोड़ा भी। छोड़ा कौन सा वाला पार्ट छोड़ा इसमें? तो इसमें छोड़ा मैंने बच्चों रेसेस वाला पार्ट, भारत में कौन कौन सी प्रजातियां हैं उनको छोड़ा है। तो उसको मैं PDF के द्वारा भेजूंगा, वो उसको पढ़ना है और प्रश्न आप उनको सॉल्व करना है। क्लियर? अब बताइए। वेरी गुड बच्चों, किसी के 56 प्रश्न भी सही हुए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। और आज का सेशन कैसा रहा जरूर मुझे बताना, और नेक्स्ट क्लास के अंदर वापिस आएंगे, मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।